अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाही व बरकातहू नाज़रीन। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ते नंबर 14 राय साकिना व मुशद्दा के बारे में। अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू में लिखा हुआ है तख्ते नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा, और यहां उर्दू में लिखा हुआ है जज़्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं। जज़्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं, मतलब जिस रा पर जज़्म हो, जिस रा पर ये वाला निशान हो, उसको राय साकिना कहते हैं। और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं, और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे इस रा पर यह वाला निशान आ गया तशदीद वाला, तो इस रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर जबरिया पेश हो तो रा पूर होगी, जेर हो तो रा बारिक होगी। रा पर जबरिया पेश हो तो रा पूर होगी, जेर हो तो बारिक होगी। इसका मतलब यह है कि रा के ऊपर जब जबरिया पेश हो तो रा पूर होगी। मिसाल के तौर पर आप इस रा को देख सकते हैं कि इस रा के ऊपर जबर है, तो इस रा को पूर करेंगे। जैसे रौ, रौ जबर रौ, रा जबर रा, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। रौ जबर रौ इस तरह पढ़ेंगे, रा जबर रा इस तरह नहीं पढ़ेंगे, तो इसी को पूर कहते हैं। राय साकिना से पहले जबर या पेश हो तो रा पूर होगी, और जेर हो तो राय साकिना बारिक होगी। हमजा रो जबर अरो, इस रा को पुर करके पढ़ना है। हमजा रो जबर अरो अरो, सीन लाम जबर सल अरो सल, नून अलिफ जबर ना अरो सल ना अरो सल ना। इस ओफ रो पेश उर, ओफ रो पेश उर, रो को पुर करके पढ़ना है। उर कुर, इस कुर इस तरह नहीं पढ़ना है। और हमजा खड़ा जबर आ, और आ, नून दो पेश नून, और आ नून, और आ नून। या गैन जबर यग, रा रा पेश रूर, यग रूर, यग रूर, काफ जबर का, यग रूर का, यग रूर का। रौ पेश रू, बा जबर बा। मिसाल के तौर पर देखिए रौ के ऊपर पेश आ गया, तो इस रौ को पुर करके पढ़ना है। रौ पेश रू, रौ रौ पढ़ना है, रौ रा नहीं पढ़ना है। रौ पेश रू, बा जबर बा, रू बा, मीम अलिफ जबर मा, रू बा मा, रू बा मा। इस रा के ऊपर जबर है तो रा को पुर करना है। रो जबर रा, हमजा वा पेश ऊ, फा दो पेश फुन, रऊफुन, रऊफुन, मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस ता, ओफ राजेर किर, ओफ राजेर किर, मुस ता किर। रौ दो पेश रुन, जहां कहीं तशदीद हो तो उस रा को डबल पढ़ेंगे। मुस्तकिर रुन, मुस्तकिर रुन। मीम रा जबर मर, रौ जबर रौ, मर रा, जिस हर्फ पर तशदीद हो उस हर्फ को दो मरतबा पढ़ना है। मीम रा जबर मर, रौ जबर रौ, मर रा, ता दो जबर तन, मर रतन, मर रतन। बाराजर बिर, बाराजर बिर, रा दो पेश रुन, बिर रुन, बिर रुन। रौबा जबर रब, रौबा जबर रब, रा को पुर करके पढ़ना है, इसलिए कि रा के ऊपर जबर है, और जहां कहीं रा के ऊपर जबर या पेश हो तो रा को पुर करके पढ़ना है। रो इस तरह पढ़ना है, रा इस तरह नहीं पढ़ना है। रौबा जबर रब, बाराजर बिर, बाराजर बिर, बाराजर बिर, इस अलिफ को पढ़ना नहीं है। रब बिर, रब
बिर जिम जेर जी रब बिर जी आइन हुआ पेश ओ रब बिर जी ओ नून जेर नी रब बिर जी ओ नी रब बिर जी ओ नी हमजा जबर आ मीम रोजेर मिर इस अलिफ को नहीं पढ़ना है मीम रोजेर मिर अमीर अमीर ता अलिफ जबर ता अमीर ता बावा पेश बू अमीर ता बू अमीर ता बू हमजा रोजेर इर हमजा रोजेर इर जिम जेर जी इर जी इर जी عين يا زرع ارجعي ارجعي فار زر فر قف زبر ق فر ق تادو پیش تن فر قتن فر قتن ميم رازر مر صاد الف زبر ص मीर इसरा को पुर करके नहीं पढ़ना है इसलिए कि इससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है इसलिए इसको पुर करके नहीं पढ़ना है मीर सो दाल दो जबर दन मीर सो दन मीर सो दन रा से पहले वाले हर्फ पर अगर जेर हो तो उसरा को पुर करके नहीं पढ़ना है قوف رازر قیر 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 اس طرح نہیں پڑھنا ہے اگر زیر آ جائے اس سے پہلے حرف پر یا را کے اوپر زیر آ جائے تو را کو پور کر کے نہیں پڑھنا ہے قوف رازر قیر تو الف زبر تو قیر تو سین دو زیر سن قیر تو سن قیر تو سن जिस राह पर जजम हो जिस राह पर जजम हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो तो उस राह को पुर करके नहीं पढ़ना है अब मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए कि इस राह पर जजम है और इससे पिछले वाले हर्फ पर इससे पहले वाले हर्फ पर मीम के नीचे जेर है तो राह को पुर करके नहीं पढ़ना है अगर मीम के ऊपर जबर आ जाता तो राह को पुर करके पढ़ना होता तो जिस हर्फ पर जबर हो पेश हो या उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो पेश हो तो रा को पुर करके पढ़ना है और अगर जेर आ जाए तो उसी रा को पुर करके नहीं पढ़ना है बल्कि बारीक करके पढ़ना है अब इस सबक में जितना भी रा है उसको पुर करके नहीं पढ़ना है उसको बारीक पढ़ना है हमजा पेश उ मीम रोजेर मिर उमिर ता पेश तू उमिर तू उमिर तू मीम नून पेश मुन हां जबर हां मुन हां मीम रोजेर मिर मुन हमिर मुन हमिर वाव स्वाद जबर वस इस अलिफ को नहीं पढ़ना है वाव स्वाद जबर वस बा राजेर बिर वस बिर वस बिर मीम नून जेर म्यू इस नून को नाक में रखकर पढ़ना है इसलिए कि नून साकिन के बाद हरफे इख्फा में से शीन है तो इसलिए नून को नाक में रखकर पढ़ना है मीम नून जेर म्यू शीन रोजबर शर म्यू शर रोजेर री म्यू शर री म्यू शर री बारा जबर बर रोजेर री बर री बा राजेर बिर राजेर री इस रा के नीचे जेर नहीं है लेकिन इसको जेर ही पढ़ेंगे बा राजेर बिर राजेर री बिर री दाल रापेश दुर राजेर री दुर री यादो पेश युन दुर री युन दुर री युन मीम सीन पेश मुस ता जबर ता मुस ता मीम रोजेर मिर मीम रोजेर मिर रा दो जेर रिन मुस्तमिर रिन मुस
تمرن ذال رپش ذر ذال رپش ذر رازری رازری ذری یا زبر یا ذریا تا دو زبر تن ذریتن ذریتن تا پیش تو ح را زبر حر تو حر رازر ری تو حر ری میم پیش مو تو حر ریمو تو حر ریمو